मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया एवं एसपी आशुतोष बागरी ने राजवाड़ा क्षेत्र और मुस्लिम इलाकों का दौरा किया, साथ ही आम जनता से सद्भावना से त्योहार मनाने की अपील की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मुहर्रम और रक्षाबंधन का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, एसपी आशुतोष बागरी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने इंदौर शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही आम जनता से भाईचारे और सद्भावना से त्योहार मनाने की अपील की। देखिए, लगातार जैसे कि आपको विदित है कि आज कत्ल की रात है और कल जो है मुहर्रम का त्यौहार है और सभी लोग शांति से त्यौहार मनाएं अपना, इसके लिए जो है पूरी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और पूरे जितने भी थाने हैं सभी थानों को अलर्ट पे रखा गया है। हर थाने पे कम से कम 2 गाड़ियाँ दी गई हैं जिसमें कि 8-8 का फोर्स जो है राउंड द क्लॉक वो रहेगा इसमें और लगातार रोटेट कर रहा है। थानों पे भी ज़्यादातर फोर्स रिजर्व पे रखा गया है कि कहीं कोई इमरजेंसी होती है तो फोर्स को रवाना किया जा सके। और अभी 1-2 दिन के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फोर्स जो है थाने पर ही रुके और लगातार जो है सूचना संकलन के लिए जो अपने आरक्षक लगे हुए हैं सभी को सतर्क किया गया है कि यदि कोई उत्पाती तत्व है तो उस पर जो है नज़र रखी जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं या कि गलत और मिसलीडिंग खबर चलाते हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो उन पे भी हमारी नज़र है। और कल शांति समिति की कलेक्टर महोदय के द्वारा बैठक भी ली गई थी और उसमें शांति समिति के सदस्यों के द्वारा ही ये कहा गया था कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस तरह के कोई भी मिसलीडिंग मैसेज यदि कोई, जिससे कि सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है या कि कटुता फैलती है तो वो दंडनीय अपराध है और इस तरह का व्यक्ति यदि कोई आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम और रक्षाबंधन पर सुरक्षा के लिहाज से सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है, साथ ही सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।